उतारी हो, लेकर कई सामान रास्ते में उतार लिए और अभी भी उतार ही रहा है। कितनी भी कड़ी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, इनका काम नहीं रुकता भाई साहब। जय श्री राम। इतना बारिश हुआ कि खेतों में पानी भर चुके हैं। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रेल सफर में। मैं स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी का बरौनी जंक्शन से, और आप सभी के लिए जर्नी कवर करने वाला हूँ दोस्तों नई दिल्ली से गुवाहाटी के बीच में चलने वाली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, जिसका ट्रेन नंबर है 22450। और भाई साहब यहाँ पे फिलहाल भीग के आ रही है अपनी एक गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि अभी पुराने ICF ब्रेक के साथ चलती है, जो जल्द ही LHB हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम तो दोस्तों पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जो है वो राइट ऑन टाइम ही आती है, लेकिन आज 2 घंटा लेट हो चुकी है, जो कि यहाँ पे आने का सही टाइम था उसका 4:15। और भाई अभी उसका आने का जो समय है 6:15 है। तो नहीं हुआ है, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ है, जो कि ये ट्रेन एक पूरी तरह से भीग के आ रही है। देख लीजिए आप लोग, सहरसा अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस। मानसून बादल काले काले आ चुके हैं भाई। ए राजा जी एक रेत रहल, हाँ जरूरत समझ रहे भाई, बिल्कुल इसी का जरूरत था। वाह क्या बारिश हो रही भाई साहब। आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, हल्की हल्की सी बरसात नहीं, यहाँ तेज बरसात आ गई। और इस खतरनाक बारिश में भाई एकदम हैवी रेन में ये आ चुकी है भाई नई दिल्ली बरौनी क्लोन। देख लीजिए कितनी टेंशन के साथ बारिश हो रही है। वैसे तो कभी लेट नहीं होती है दोस्तों, लेकिन आज 2:40 डिले हो गई। ये है WAP 7 कानपुर का पूर्व उत्तर संपर्क क्रांति। क्या गजब है, तो दोस्तों ये आ चुकी है अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, बोर्ड करते हैं। जनरल में आज की जर्नी होने वाली है भाई। तो भाई आज के जनरल कोच में जर्नी कैसे होगी ये तो नहीं पता, लेकिन होगी जरूर। तो भाई भीड़ तो है इस ट्रेन में, चलिए कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। निकलने का संकेत हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं एक बेहतरीन जर्नी, और आपको दिखाएंगे आम्रपाली एक्सप्रेस का ओवरटेक, क्योंकि हमसे पहले निकली है वो। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट रुकने के बाद अब अपनी गाड़ी जो है निकल चुकी है बरौनी जंक्शन से। देखिए 7:10 हो चुका है, वैसे हमारी ट्रेन काफी लेट हो चुकी है। वैसे अच्छी बात है कि हमारे ट्रेन का जो हॉल्ट है ना बहुत कम, यहाँ से निकलने के बाद सीधे कटिहार। तो दोस्तों नई दिल्ली से गुवाहाटी तक ये लगभग 1900 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है, जिसमें से ये 1100 किलोमीटर चल चुकी है और 800 किलोमीटर और चलना है। अभी जैसा आप लोग हाल देख रहे हैं ना, भीड़ है इसमें। ये कटिहार के बाद अब आपको दिखाएंगे, काफी सारे पैसेंजर लोग हैं जो कटिहार वहां पे उतरेंगे। और देख लीजिए दोस्तों इतनी भीड़ में जो सोने की जगह ढूंढ ले भाई उसके ही मजे है, बाकी तो हम लोग कितनी मुसीबत से बैठे भी हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं मालगाड़ी ना, ये ज़्यादातर कार ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों बेगूसराय पे तो अपने ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं था, लेकिन रुक गया है, पता नहीं क्यों रुका है तो हम भी नहीं जानते भाई। लेकिन आपको बता दें जो बरौनी है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर आती है, जहाँ से हम लोग अभी ट्रेन बोर्ड किए हैं। चलिए 7:35 पे निकल रही गाड़ी वैसे अपने यहाँ से। New
अपनी ट्रेन खगड़िया पे भी नहीं रुकती है दोस्तों, मानसी भी इसके जस्ट 9 किलोमीटर आगे है, वहाँ भी नहीं रुकेगी, मतलब सीधा कटिहार स्टॉपेज है इसका। और भाई किसी भी स्टेशन को तेज़ रफ्तार में अभी तक तो ऐसा सुकून वाला स्किप मिला ही नहीं। तो ये क्रॉस कर रही है भाई अपनी अब मानसी जंक्शन को। मानसी भाई तो आप लोग जानते हैं जंक्शन पॉइंट है, वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही है, यहाँ से एक लाइन सहरसा की और भी कट जाती है भाई। ये रही अमरपाली एक्सप्रेस, ओवरटेक कर रहे भाई नौगछिया से, इतनी तगड़ी रफ्तार में मिली, अब जाके मिला है सुकून इस रफ्तार का भाई साहब, कब से था इंतजार। अमरपाली पीछे हो गई भाई, तो आ गई है भाई कटिहार जंक्शन, कटिहार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ले रही है अपनी ट्रेन को, और यहाँ पे भी बारिश हो रही है। और बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए जो कटिहार के एकदम ठीक प्लेटफॉर्म के बीचों बीच है। तो दोस्तों 2.5 घंटे डिले के साथ अब अपनी ट्रेन जो है NFR जोन के आ चुकी है कटिहार डिवीज़न में। और भाई साहब पहली बार लग रहा है ये ट्रेन इतना लेट हुआ है, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति रात के करीब 10:10 पर आ चुकी है अपनी कटिहार पे, कटिहार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगी है अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। और इस ओर देखिए अमरपाली एक्सप्रेस लगी हुई है भाई साहब, जिसमें काफ़ी भीड़ है। अमरपाली को भाई पुल करने वाला है WAG 9। और भाई हल्की हल्की से बारिश अभी तक हो ही रहा है, जो शुरू हुआ था भाई बरौनी में। तो चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन का जो है डिपार्चर हो चुका है, लगभग 10 मिनट यहाँ पर भी रुकी अपनी ट्रेन। और यहाँ से निकलने के बाद आपको बता दें तो जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है किशनपुर, मतलब अपनी ट्रेन जो है संपर्क क्रांति वो काफ़ी कम स्टेशनों पर रुकती है, आप तो जानते हैं संपर्क क्रांति की कैटेगरी। और यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी है दोस्तों, बारिश ने इस सफ़र को जो खूबसूरत बनाया ना भाई, कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो भाई ये सफ़र हो चुका है। तो दोस्तों कटिहार के बाद हमें विंडो सीट भी मिल चुकी है और खाना खरीद लिया 50 रुपये में, जो कि अभी भी गर्म है 10 बजे के बाद। चलिए इसको खाते हैं। और हमने खाना लिया था लेकिन चम्मच नहीं ले पाए थे, तो पेंट्री से भी ये चम्मच लेके आ रहे हैं, जो कि 4 बोगी आगे पास। तो ये है भाई नॉनवेज और ये है वेज, जिसको ये इसमें अंडा चावल है, इसमें छोला चावल है। चलिए 60 का है 50 का है, खाते हैं। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और हल्की हल्की सी बरसात के साथ थोड़ी अब बरसात रुक चुकी है, वैसे मौसम भी बना हुआ ही है। और अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जिसका इंजन भी आप डीजल इंजन लग चुका है NJP में ही, आधी रात में ही, पता नहीं कब लगा हो, तो हम सो रहे होंगे। चलिए दोस्तों काफी देर रोकने के बाद निकाला तो यहां से कम देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारे है भाई, इतना बारिश हुआ कि खेतों में पानी भर चुके हैं, और वो घर अकेला खेतों में पानी के बीच में ही है। ये देखिए दोस्तों पहाड़, हरी भरी काफ़ी पहाड़ है और बादल भी उतर आए वहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती अगर देखनी है भाई साहब, तो एक बार ट्रेन से ज़रूर सफ़र करो भाई, अगरतला गुवाहाटी या फिर सिलचर तक, इतने खूबसूरत रास्तों से होके गुजरे की ट्रेन कि आप तारीफ करते बिना थकेंगे नहीं।
भाई ये इस हैवी कर्व के साथ जो अपनी ट्रेन अब पहुंच रही है न्यू बंगाईगांव जंक्शन। तो भाई बरौनी से करीब 620 किलोमीटर की जर्नी कवर करके अब हमारी ट्रेन जो है आ चुकी है न्यू बंगाईगांव। ये रेलवे स्टेशन दोस्तों टुनिया नदी के ठीक ऊपर ही बना हुआ है, इसके बीच में से जाती प्लेटफॉर्म के नीचे से ही टुनिया नदी निकलती है। फिलहाल तो दिखी नहीं हमें, दिखता है तो हम आपको दिखाएंगे। जब निकले थे बरौनी से तब तो 2.5 घंटे ही लेट था, अब भाई करीब 5 घंटे लेट हो चुका है और रह गई मात्र 182 किलोमीटर की जर्नी और गुवाहाटी तक की। और यहाँ सामने खड़ी है भाई कैपिटल एक्सप्रेस, खाली है और अपनी ये रही नॉर्थ ईस्ट संपर्क क्रांति। चलिए दोस्तों मछली चावल खाते हैं, 50 रुपए में दे रहे, सस्ती है। ये लग रही है अपनी मछली चावल। चलो भाई काफी गरम गरम है, मस्त है भाई, 50 रुपए में एकदम वर्थ है। चलो पहले सीट पे रखते हैं इसको यार। ये लिए है भाई पराठा चावल सब्जी, सॉरी पराठा सब्जी लिए हैं 40 का और हम लिए थे मछली चावल। चलिए खाते हैं, काफी गरम है, ये बात बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे है दोस्तों वो टुनिया नदी, वो देखिए उसका बोर्ड भी लगा है और इस दीवार के जस्ट नीचे से ही है। और ये प्लेटफॉर्म कर पॉइंट पे है। देख लीजिए दोस्तों क्या एकदम सुबह के समय आने का समय था यहाँ पे और 9 बजे के आसपास करीब निकल रही है अपनी गाड़ी, ठीक 9 बजे निकल रही है सुबह। 8 बजे तो गुवाहाटी पहुँचने का ही टाइम है और जबकि यहाँ से भी 182 किलोमीटर दूर है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं 4 घंटे लगभग और लग जाएगा। मिलते हैं यहाँ से, एक और होल्ट बचा है बस ग्वालपारा टाउन के बाद हमारी ट्रेन का सीधा होल्ट होने वाला है गुवाहाटी। बाय बाय न्यू बंगाईगांव। और ये इनका उतरने का अथक प्रयास। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये उतर पाएंगे या नहीं। और बड़े ही आसानी से उतर चुके हैं ये, डेस्टिनेशन इज अराइव फॉर हिम। देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत एकदम हैवी टर्न के साथ अब अपनी ट्रेन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे जाने वाली है। और ये रहा रोड ब्रिज और उसके नीचे से रेल ब्रिज, यानी कि रेल कम रोड ब्रिज। तो ये आ रही है भाई ब्रह्मपुत्र नदी, जिसमें देखिए काफी उफान में पानी है भाई। कितना
ज्यादा पानी इसमें है, एकदम से एकदम डूबा पड़ा भाई, काफी उफान है इसमें। ये है सेकंड लास्ट हॉल्ट इसका, जो कि है गोलपारा टाउन। भाई जब से इस ट्रेन में चढ़े तब से हम बारिश का सामना करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं, और आगे भी करते ही रहेंगे। मतलब इतना बारिश हुआ है कि एकदम मन भर गया लोगों का। यहाँ पर भी सवारी का उतरने का ही सिलसिला है भाई। तो दोस्तों अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति आ चुकी है अपने डेस्टिनेशन के सबसे लास्ट हॉल्ट पे, जो कि इसके बाद सीधा गुवाहाटी आ जाएगी। ये है ग्वालपारा टाउन जंक्शन, यहाँ से 131 किलोमीटर की और डिस्टेंस रह गई है भाई। कितनी भी कड़ी धूप हो, कितनी भी बारिश हो, इनका काम नहीं रुकता भाई साहब। एक सल्यूट तो इनके लिए, एक लाइक जरूर इनके लिए करिएगा आप। आसाम में और ये आसाम की चाय पत्ती की बगान ना देखे तो भाई फिर क्या देखिए आप लोग। देख लीजिए इसकी खूबसूरती, इसकी ब्यूटी। आसाम भाई इसीलिए चीज के लिए तो फेमस है कि उसकी चाय आए हाय। तो भाई वसूली दीदी भी आई गई हैं बड़ी खाली खाली ट्रेन में। एक जंक्शन पॉइंट भी है, क्योंकि एक लाइन अपनी ग्वालपारा टाउन की तरफ से आई है और एक लाइन रंगिया की तरफ से आती है। कामाख्या जंक्शन स्किप कर रही है दोस्तों अपनी गाड़ी कामाख्या को, और कामाख्या पे है माँ देवी कामाख्या टेंपल, जहाँ पे आप लोग दर्शन करने जा सकते हो ऊंचे पहाड़ पे। बहुत ही अच्छे स्पीड में निकल गए भाई कामाख्या से, और इधर गुवाहाटी से कोई ट्रेन जस्ट खुली है भाई WTP 4D के साथ। सराय घाट एक्सप्रेस हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चलने वाली, सराय घाट ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ एक घाट है भाई, जिसके नाम पे ये चलती है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है वैसे होता है। गजब भाई, इनका तो चलते चलते ही उतर रहे हैं, उतारियों ले कई सामान रास्ते में उतार लिए और अभी भी उतार ही रहे हैं। वाह, जो हाथी में भी जाना है तो पूरा सामान रास्ते में उतार लिया भाई। 5 बैग उतारे, 3 लोग उतरे हैं, 4 लोग उतर गए। वाह भाई वाह, अपनी ट्रेन से और भी काफ़ी लोग खाली हो रही है। वो गए, आगे भी है बहुत सारे लोग। क्यों गुवाहाटी जाना भाई जब यहीं से हो जा रहा है, ऑटो टेम्पो सब मिल जाएगा इनको। तो ये है भाई रेलवे का अद्भुत कोच विस्टाडोम। ये देखिए दोस्तों कितना रेलवे की जब जस्ट किनारे मार्केट लगा के रखे हैं।
तो फाइनली दोस्तों 4 घंटे 50 मिनट की देरी के साथ अब अपनी गाड़ी पहुंच रहे अपने फाइनल डेस्टिनेशन गुवाहाटी। देखिए भाई, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का ये हेड क्वार्टर है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन गुवाहाटी, और ये रही अपनी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति जो बरौनी से चुके हम लोग फाइनल गुवाहाटी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं, और ये 800 किलोमीटर की जर्नी रही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जर्नी काफी पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई जर्नी के साथ। जय हिंद।